लेकिन आपको पता है लाख कोशिश की, लाख कोशिश की गई इसको जलाने की, इसको खत्म करने की, इसको फाड़ने की, लेकिन इतिहास गवाह है वो खत्म हो गए जिसने फाड़ने की कोशिश करी, वो चल गए जिसने इसको जलाने की कोशिश करी, ये अभी तक चल रहा है। मेरे पास में इंडिया का कोई बड़ा पिक्चर का नंबर नहीं है और ना ही मेरे पास में उनका कॉन्टैक्ट, ये बात अलग है कि सबका है, लेकिन मुझे पता चला है कि इसका बेस्ट कॉन्टैक्ट रखो। कैसा लग रहा है? यह आपको अमीर बनाएगा, मैं आपको सच बता रहा हूँ। यह आपको रेफरेंस याद नहीं आ रहा, कहता है कि वचन तेरी उन्नति करेगा, रेफरेंस याद नहीं आ रहा है। यह आपको आ गया पढ़ो 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 नीति वचन की किताब, उसका 22वां अध्याय वचन 4, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स Chapter 22 verse 4. Wow. See that? Ji, padhiye. 22 ka 4. Navrata aur Yehova ke bhai maanne se maanne ka phal dhan, mahima aur jeevan hota hai. Okay, ab padhiye na, wapas padho aur acche se padho. Navrata. Sabse pehla. Navrata. Aur Yehova ke bhai. Yehova ka bhai maanne se. एक मिनट, धन 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 अच्छे से प्रोनाउंसिएशन क्या करो, उच्चारण अच्छे से क्या करो, एक साथ सब लोग बोलो धन। धन का मतलब क्या है? पैसा, ऑफ कोर्स कॉमन सेंस, भारत का हो, अमेरिका का हो, इधर का हो, उधर का हो, पैसा, इसका मतलब है यहोवा का भय। यहोवा का भय कैसे आता है? कमाल, इधर देखिए ये वचन, मैं जितना इसको पढ़ता हूँ मेरे अंदर भय आता है, और जितना मेरे अंदर भय आता है उतना मेरे पास में पैसा आता है। सीधा वाह, आगे आगे आगे, और क्या, और क्या, पैसा आएगा, धन आएगा, नेक्स्ट महिमा का मतलब क्या मालूम है? आपको सोसाइटी में इज्जत मिलेगी, लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे। अच्छा शिनो, वापस, लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे। ओके, ये नाटक नहीं, ये सच है, ये आपका लीडर है, ये आपको चलाते हैं संडे संडे, राइट? अब इसके पास में वचन भरा हुआ और इनके वचन से आपको वचन से, इसके वचन से आपको ब्लेसिंग मिली है। मैं आपको सच बताता हूं, आप इसको आदर करना शुरू करोगे। ये अगर आपके घर पर आ जाए तो आप इनको रिस्पेक्ट करोगे। शिनु भाई बैठिए, शिनु भाई चाय पीजिए, आप समझ रहे हैं ये क्यों रिस्पेक्ट मिल रहा है? क्योंकि ये वचन का प्रचार करता है। मैं शिनु की जगह पे अपने आप को लेकर आता हूं, सोचिए इसके लिए मैं पास्टर हूं, मैं अगर तेरे घर पे गया, झूठ झूठ बोलते, मैं अगर इसके घर पर गया ये जरूर मेरी रिस्पेक्ट करेगा। और मैं आपको बताऊं, इसकी जितनी ताकत होगी ये चाय कॉफी नाश्ता खाना चिकन मटन ये सब में डाल देगा। बोला डैनियल भाई आप मेरे घर पर क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा पास हूं, इसलिए मैं जब तेरे को मिला था कभी नहीं था ना इतना सब कुछ। ये मुझे रिस्पेक्ट क्यों कर रहा है? कहां लिखा है? पहला 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 थिस्सलुनीके 5 का 17 पढ़ना, पहला थिस्सलुनीके 5 17। हम फ्रेम में है, सुनो, फर्स्ट थिस्सलुनीके चैप्टर 5 वर्स 17, उम्मीद करता हूं वही होगा, पहला थिस्सलुनीके 5 का 17। जी, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हां, नहीं नहीं वो नहीं है, पहला तिमोथी 5:17, पहला तिमोथी 5:17, हाँ वही है, हाँ पढ़ो पहला तिमोथी 5:17। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, एक मिनट, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं विशेष करके, एक मिनट, तू मैं ना वो खा लेती हूँ, उसका जो मजा आता ना विशेष करके, उस पर पंच आना चाहिए था। रिपीट, सब लोग बोलो विशेष करके, हाँ विशेष करके वे, विशेष करके वे, हाँ, जो वचन, जो जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, हाँ आगे भी है ना, दो गुने आदर के योग्य नहीं, तुम चश्मा वाले ना लो, एक गुना आदर के, दो गुने आदर, उनको एक गुना है या दो गुना? दो गुना। ओके, मैं कुछ चीजें यहाँ पे बोलने जा रहा हूँ, सब तैयार है इधर देखे प्लीज। ये व्यक्ति प्रभु का दास है, नाटक कभी चेंज, ये प्रभु का दास है, ये प्रभु का प्रचारक है, मैं इसको शॉल दूंगा, बुके दूंगा, फूल दूंगा,
रिस्पेक्ट करूंगा, ऑफरिंग दूंगा। क्यों? क्योंकि वचन कहता है ये प्रभु का सेवक नहीं, ये वचन को सिखाने वाला सेवक। जो लोग यूट्यूब पे सुन रहे हैं, हाँ सिद्धू, जो लोग यूट्यूब पे सुन रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, आप सब सेवक का आदर करो, लेकिन जो वचन का आदर कर सेविका करते हैं वो धूना आदर करो। इसका मतलब है, इसका मतलब है, पूछो क्या हमको कहा है दुगना आदर करो जो प्रभु का वचन का प्रचार करते हैं। सोचो वो कितना आदर करता होगा जो उसका वचन का प्रचार करता है। आप नहीं समझे, बेबी आप समझे कि नहीं समझे, मैं प्रभु का दास हूं, मेरा आपसे आदर करने दो गुना, लेकिन वो खुद मेरा आदर कितना करेगा। मैं रास्ते पे हूं वो आदर करेगा, मैं सड़क पे हूं वो आदर करेगा, आज पैसा है करेगा, नहीं है आदर हर क्षेत्र में, क्योंकि उसको पता है परमेश्वर को ये आदमी वचन का प्रचार करता है। तो आपको सबसे ज्यादा फेलोशिप किसके साथ करनी है? वचन से, और साथ में जो वचन को सिखाते हैं उनके साथ में। तो YouTube वालों, आप लोग आराधकों के साथ में फेलोशिप करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनसे क्या मिलेगा वो भी देखो। नबियों से फेलोशिप करो, करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनसे क्या मिलेगा वो भी देखो। आप अच्छे अच्छे प्रचारकों जो हीलिंग करते हैं उनसे फेलोशिप करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसों के साथ कब करना शुरू करोगे जो इसको सिखाते हैं? कैसा यही है आपको जो अमीर बनाए, यही है जो आपको अच्छा चंगा रखेगा, यही है जो आपको आगे बढ़ाएगा। सही क्या है, गलत क्या है, क्या हो रहा है, मिर्जा खत्म नहीं कर पा रहा, सही क्या है गलत क्या है, हम कैसे समझेंगे? थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक जा रहा हूं, क्योंकि आज शाम को एक फोन आया था माता यरूशलेम वाले लोगों का, नाम सुना है आप लोगों ने? वो व्यक्ति कहता है कि पास्टर डेनियल, हम लोग इतने परेशान है उन लोगों से, वो घर पर आकर हमको बोलते हैं, प्रकाश वाक्य उसका 22 का 17 में पढ़िए, कहते हैं कि आत्मा और दुल्हन, दुल्हन कौन है, कहते हैं यरूशलेम माता, मतलब एक पिता है, एक पुत्र है, पवित्र आत्मा है, ऊपर एक माँ भी है। मेरे को नहीं समझ में आता कि मैं उनके साथ में क्या करूं, काश मेरे पास कुछ होता तो मैं उनको कर देता। सब लोग पूछो क्यों, जब इसमें नहीं है माँ तो कहां से लेकर आ गए माँ? जो यूट्यूब पे मुझे सुन रहे हैं, जो अपने लोग हैं, अंदर के लोग हैं, जो सच्चे लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आज माँ वाले आए हैं, कल अंकल वाले आएंगे, फिर आंटी वाले आएंगे, आई मीन कोई भी वाले आ जाएंगे, आप उनसे बहस मत करो, लेकिन कम से कम उनसे हारो भी तो मत। उसने मुझे फोन किया, मैं उनको क्या जवाब दूं? उसने मुझे फोन किया, आपको भी किया शायद, मेरा प्रश्न है उसने मुझे क्यों किया फोन, आपको क्यों किया, उसने खुद जवाब क्यों नहीं दिया? तो यहां गड़बड़ कहां है उसके साथ? अगर वो इसमें मजबूत होता तो वो टक्कर देता, जवाब देता, बात करता, ऐसा है तो ऐसा क्यों है, वैसा है तो वैसा क्यों है। सीधे अगर यहां पे कोई जानना चाहता है कि पास्टर डेनियल आप माता यरूशलेम वालों के ऊपर एक टॉपिक पे टीच करिए तो मैं वो करूंगा, लेकिन यहां पे दो लाइन में बताना चाहता हूं कि पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा है, इन तीनों को छोड़ ना तो ऊपर अंकल रहती है, रहता है ना, आंटी रहती है, ना मां है और ना कोई और है। आप स्वर्गदूत तक को आराधना नहीं कर सकते। आपने नहीं सुना है, मुझे यहां पे रिस्पॉन्स चाहिए होता है, जो कि नहीं मिलता दिक्कत हो जाती है। मैं रिपीट करता हूं, आप स्वर्गदूत तक की आराधना नहीं कर सकते। आपको जिसको आराधना करना है वो ऑलरेडी लिख दिया है। तो गलत शिक्षाओं से भटक कैसे, गलत शिक्षाओं से बच कैसे सकते हैं? वचन। गलत शिक्षाओं में भटक कैसे सकते हैं? वचन। नहीं पता तो भटक जाओगे, कैसा लग रहा है भैया? तो इसका मतलब है आपको जितना हो सकता है वचन में मजबूत होना है। मैं यहां तक अपने बच्चों से भी बोलना चाहूंगा, मेरी लड़की से बोलना चाहूंगा, नतानियल से बोलना चाहूंगा, इवन आप लोग जो यूथ यहां पर बैठे, मैं आपसे बोलना चाहूंगा, आप लोगों का जनरेशन आगे बढ़ेगा। एक लिमिट है मेरा एज का, हो सकता है कि मैं और अगर तेल आटा पानी अच्छा रहा तो मैं और 40-50 तक तो निकाल लूंगा अच्छा खासा। मेरे को कुछ लोग बोल रहे थे घर में कि आप ये उम्र में क्या हो जाओगे, तो मुझे याद है वो 40-50 तो मैं निकाल ही लूंगा, है ना, अच्छा खासा दिखता हूँ थोड़ा बहुत। लेकिन अगर ऐसा हुआ, हाँ छोटे विजय, ये जनरेशन आप लोगों का, सी राजू भाई, ये जनरेशन आप लोगों का, मुझे प्लीज गुस्सा नहीं होना, मैं कभी कभी आता तो गुस्सा नहीं करूंगा, लेकिन लॉजिक की बात कर रहा हूँ। इवन तो नीता, 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 नीता,
और वो कहा है श्रद्धा जोड़ी है ना तुम लोग का। मैं इवन डॉली है ना प्रिया ये सब आप लोगों से कहना चाहता हूँ, इवन तुम शैलेश और टीसा, जितना हो सकता है अपने आप को इसमें मजबूत करो। और ये कहां से शुरू होगा, कहां से शुरू होगा, कहां से शुरू, कोई बता दो प्लीज कहां से शुरू होगा। आप जितना मेरे साथ फेलोशिप करेंगे उतना होगा ना, यस नो, आपके घर में है, ये आपके घर में है और आपकी भाषा में है, तेलुगु तमिल में हिंदी मराठी। मेरा प्रश्न है हम 24/7 फोन में रहते हैं, मेरा इशारा किसी की तरफ नहीं, आप 24/7 मैं खत्म भी करूंगा थोड़ी देर में, आप 24/7 फोन में रहते हैं, आप 24/7 एंटरटेनमेंट में रहते हैं, मैं मसलों की बात कर रहा हूँ। दिलचस्पी ये है कि ये मीटिंग कहाँ है, वो मीटिंग कहाँ है, ये कॉन्सर्ट कहाँ है, वो कॉन्सर्ट कहाँ है, ये प्रभु का दास कहाँ आ रहा है वो, भैया ये सब ठीक है लेकिन आपका खुद का ग्रोथ अंदर से ठंडा पड़ा है तो अच्छी अच्छी मीटिंग को सुन के भी क्या हो जाएगा। और ये हफ्ते में एक बार, साल में एक बार, 3 महीने में एक बार आकर आपको ऊपर से फ्राई करके जाता है, फिर आपको लगता है कि यार बड़ा पॉपकॉर्न, फिर बोला था मैंने कल भी बोला था पॉपकॉर्न की तरह आप ऐसे ऊपर आते हैं, ऐसा लगता है यार क्या मसीह है, लेकिन जैसी हवा निकल जाती है पुस कमान यस नो। सिंधु तेरे को देखकर कुछ कुछ याद आ रहा है, अगर तुमको याद होगा जब तुम 16-17 साल की थी तभी यहीं पे चेंबूर में ये लड़की मुझे प्रचार करते हुए बच्चों को लीड करते हुए मिली थी, क्योंकि वो क्या नाम है वो कौन सा नाम है सैमसन, कौन सा सैमसन है, जॉन, जॉनी, हाँ एपी जॉन, याद आया कि नहीं आया। अभी इनको लगेगा कि मैं ताना मार रहा हूं, तो मैं ताना नहीं मार रहा हूं, आप लोग मुझे जानते हैं कि मैं क्या हूं। ओके बीच में मैं बात कर रहा था तुम्हारी भाभी से, मारिया से, जब तक शादी नहीं होती सब सही रहते हैं। ऐसा तीर मारूंगा, ऐसा करूंगा पास्टर, वैसा करूंगा पास्टर, मैं चुप नहीं बैठूंगा। जैसे ही शादी होती है, अभी शिवू तेरे को नहीं लगना चाहिए, आदमी पूरा खत्म, फिर ऐसा लगता है यार ये आदमी मतलब दूसरा पुनर्जन्म तो नहीं लिया, हालांकि पुनर्जन्म नहीं होता, ये आदमी गया किधर। अब मेरे साथ कमल खुद सोच के देखिए आप, और दिक्कत का होंगे पता है, आप इसमें से निकल गए बाहर, जो इसमें से बाहर निकल गया खत्म, कैसा लगा। तुम मुझ में बने रहो, मेरी बात है तुम्हें बने रहे, और कल बताया था ना चट्टान का घर भालू का घर याद आया कि नहीं। सो अगर मेरा ये स्टेटमेंट सिंधु शिनु या आप लोग जितने भी हैं और जिनकी शादियां नहीं हुई बहुत सोच समझ के शादी करो, वो आग लगा के जा रहा है या लगाएगा या पानी डाल के आपको बुझाएगा, ये याद रखना। एक और तो मिनट दे सकते हैं प्लीज, मैं उसको बताने से पहले फिर पूछूंगा कैसा लगा, मैं फिर पूछ रहा हूं कैसा लगा। ये लास्ट वचन है फिर मैं यहां पे समाप्त करूंगा। प्रकाशित वाक्य उसका 3rd अध्याय वचन 1 से पढ़ना, ये लास्ट है प्लीज। प्रकाशित वाक्य ये फेसबुक पे लाइव जाएगा, ओके। प्रकाशित वाक्य 3rd अध्याय वचन 1 पढ़ो। सर्दिस की कलीसिया के दूत को यह जिसके पास परमेश्वर के 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, हाँ। वो ये कहता है, हाँ। कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, हाँ। तू जीवित तो कहलाता है, एक मिनट, तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ, हाँ, वापस आइए, तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ, मरा हुआ। तो मतलब बाहर से कैसा है, जीवित है, कमल सब लोग बोलिए बाहर से कैसा है, जीवित है, अंदर से कैसा है, मरा हुआ। किसका स्टेटमेंट है, यीशु का वचन है ना, ये बाइबल का वचन है ना। तो बाहर से कुछ लोग बहुत जीवित रहते हैं, वाह क्या आदमी है यार, क्या यहाँ पे भी कुछ लोग हैं, मतलब क्या आदमी है यार, क्या प्रचार करता है, फिर प्रश्न उठता है कि अंदर से कैसा मरा हुआ है, कौन सी चीज में होगी इसकी, कौन सी चीज में होगी इसकी। आगे जागरूक हो, जागरूक हो और वस्तुओं को, उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है, जो मिटने को है, उन्हें दृढ़ कर, किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। नेक्स्ट नेक्स्ट, इसलिए एक मिनट अभी जरा ध्यान से सुनो, इसलिए इसलिए स्मरण कर, एक मिनट, इसलिए मतलब जो कुछ नुकसान हुआ है उसका कारण है, इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की, बस
तो सारा खेल किसका है? सब लोगों शिक्षा का। और इससे अच्छा शिक्षा कोई नहीं दे सकता। तो इसका मतलब है, वेट वेट सी ब्रदर, इसका मतलब है या तो हम ठंडे हैं तो ये रीजन है क्योंकि आप इसको नहीं पढ़ रहे, अगर हम गर्म हैं तो ये रीजन है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, अगर हम जीवित हैं तो ये रीजन है, अगर हम अंदर से मरे हैं। तो इसका मतलब है आपने कौन सी शिक्षा पाई। मैं यहां पे भी लोगों को पूछूंगा कौन सी शिक्षा पा रहे हैं आप लोग, क्या हो रहा है, कौन से चर्च में जा रहे हैं आप लोग, पीछे लाइट है शुरू हो जाओ, पीछे धुआं है, हाईटेक साउंड सिस्टम है, ऊपर से इक्विपमेंट्स है, एटेक इक्विपमेंट क्या बोलते कीबोर्ड है, ड्रम सेट है, लेकिन प्रभु पूछ रहा है बेटा जिंदा तो दिख रहा है। यहां प्रश्न है हम अंदर से जिंदा रहें या बाहर से जिंदा रहें। अगर हम अंदर से जिंदा हैं तो बाहर से दिखाने की जरूरत नहीं है, आदमी जिंदा है। और आपको अंदर से जिंदा, ऑफ कोर्स अभी बताया था वचन ही रखता है कौन सी शिक्षा, कौन से पास्टर के पास जाते हैं आप, कौन से चर्च में जाते हैं आप, मैथोडिस्ट है, कैथोलिक है, सीएनआई है, माथोमा है, ऑर्थोडॉक्स है, ब्रदरन है, पेंटिकॉस्टल है, कैरिस्मेटिक है, कौन से चर्च में जाते हैं आप मैटर करता है, कौन से पास्टर को सुनते हैं मैटर करता है, कौन से यूट्यूब पे प्रीचिंग सुनते हैं मैटर करता है। क्या हो रहा है मेरे साथ में, ऐसा लिखा है कि अंत के दिनों में कानों में खुजली, ईयर टिकलिंग, कानों में खुजली के चलते बहुत सारे उपदेशक पटोर लेंगे, जो अच्छा बोलता है उसी को सुनेंगे, जो कड़क बोलता है उसको नहीं सुनेंगे। तो प्रश्न है कि कौन सी शिक्षा, कैसा लग रहा मेरा मैसेज अगर अभी का, क्योंकि यहां से ठीक दो महीने के बाद मैं आपको देखूंगा क्योंकि दो महीने मैं बॉम्बे में नहीं हूं। अगर मेरा ये मैसेज आपको दो महीने तक और आगे पर मसीह आने तक अगर आपको बचा के रखता है, मेरा यहां पे आना सफल रहा। अगर आपका वचन पढ़ने का लाइफ खत्म हो गया है शुरू करिए। मैं तो कहता हूं एक से एक अपने चर्च में एक 47 चाहिए, एक 47 समझते हैं। जो भी बात करो वचन से बात करें, इधर वचन से बात करें, तेरा बकवास नहीं सुनेंगे। माता लेकर आया, बाप लेकर आया, उसको लेकर आया, आंटी को लेकर आया, अंकल को लेकर आया, नहीं सुनना है, वचन से बात कर। कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं जो मेरे को अच्छा लगता है जो वचन से बात करते हैं, और वचन से अगर बाहर बात कर रहे हैं तो उनको दूर से नमस्ते। ये सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि दिन बुरे आ रहे हैं। कैसा लग रहा है सब, एक अच्छी ताली बजाए प्रभु को, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।